Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमंतू एबी। और आज हम लोग जा रहे हैं दमन के लिए, तो मिलते हैं आपसे बाइक पर। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टूवर्ड्स दमन। सो नाउ इट्स 527। सबसे पहले तो मुझे टैंक फुल कराना है। कल रात को सोच रहा था पेट्रोल डलवाने का, बट टाइम नहीं मिला मुझे। यार थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है अभी और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक है ना, पता नहीं लोग कहाँ जाते हैं यार। मुझे लगता है कि हमें दमन तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। 4 या 4.5 घंटे, 10-10.5 मैं एक टेंटेटिव टाइम लेकर के चल रहा हूँ कि 10:30 अराउंड हम दमन पहुंच जाएंगे। हम लोग लगभग लगभग पहुंच चुके हैं वाशी और यहाँ लगा हुआ तगड़ा जाम भाई। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है सेकेंड डे। कल दमन पहुंचने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। कल थोड़ा थक गया था, आराम किया और सोचा कि अब जो भी वीडियो बनाऊंगा या जो भी एक्सप्लोर करूंगा दमन में वो मैं कल करता हूं। तो कल बेसिकली पूरा दिन मैंने दमन के आसपास का एरिया या दमन का जो मेन स्पॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैंने जा कर के एक्सप्लोर किए और आराम किया मैंने। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock और अभी मैं जा रहा हूँ देवका बीच। और देवका बीच पे बोलते हैं कि सनराइज़ बहुत अच्छा होता है। जय श्री महाकाल, चलते हैं सुबह की सैर के लिए। जहाँ मैं रुका हूँ वो है मोटी दमन या नानी दमन, नहीं ये मोटी दमन है। हाँ, तो अभी हम चलते हैं देवका बीच के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से 4 or 5 kilometers है। ओ बिल्ली सामने आ गई, बिल्ली देवी। सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, लोग सोते भी जल्दी और आई थिंक उठते भी लेट हैं, क्योंकि कल 8 बजे तक तो ऑलमोस्ट 80% शॉप्स क्लोज हो गई थी। और अब यहाँ पर छोटे छोटे लॉजेस, हाउसेस और होटल्स मिलेंगे। इस एरिया में होटल्स बहुत हैं। ये आ गए हम देवका बीच के पास में।
हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं देवका बीच पर। एक्चुअली यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन काम का काम चल रहा है। यहाँ पर एक दोस्त मिला है हमारा, आ जा। मस्ती आ रही है सुबह सुबह। भुरु, क्या नाम है, कौन आ रहा है? ये है देवका बीच। पानी था यहाँ पर, आई थिंक रात में आया होगा पानी, बट अभी पानी नहीं है। और ये कुक्कुर देवी हमारे साथ में चल रही हैं। गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और यहाँ हो चुका है सनराइज, सूर्य उदय हो चुका है। सूर्योदय तो बहुत पहले हो चुका है, बट मैं कुछ शॉट्स वगैरह ले रहा था। और ये देवका बीच पर देखने को अब ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है, पानी बहुत पीछे चला गया है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पर बना करके रखी है एक विमान की प्रतिकृति, बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक स्टैच्यू बनाया हुआ है, ये स्टैच्यू विमान का है। तो अभी हमें चलना है नानी दमन जेट्टी, और नानी दमन जेट्टी के साथ ही सेंट जेरम फोर्ट है। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नानी दमन जेट्टी, और नानी दमन जेट्टी के बैक सामने ही है सेंट जेरम फोर्ट। तो आप देखिए नानी दमन जेट्टी, ये है नानी दमन जेट्टी। यहाँ पर सारी फिशिंग बोट्स आकर के खड़ी होती हैं। ये बोट्स समुद्र में 80 से 100 किलोमीटर अंदर तक जाती हैं फॉर फिशिंग, और लगभग 10 से 12 दिनों के लिए ये वहाँ पर रहती हैं। कुछ बोट्स इस साइड खड़ी हुई हैं। ये जो रिवर है, ये दमन गंगा रिवर है, और ये आकर के यहाँ पर समुद्र में मिलती है। और उस साइड पर जो है वो है लाइट हाउस, वो समुद्र देवी का मंदिर है। और ये है सेंट जेरोम फोर्ट, बहुत पुराना फोर्ट है, बहुत पुराना हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसमें अंदर क्या है। चलते हैं इस साइड से, यहाँ से भी एक रास्ता है। स्टैचू पर लगी, आई थिंक ये सेंट जेरोम की है, इसी के लिए इसका नाम सेंट जेरोम फोर्ट पड़ा है शायद तक। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइए नीचे, और बहुत पुराना फोर्ट है ये। चलते हैं अंदर। ये 1612 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ये चर्च आवर लेडी ऑफ द सी चर्च। चर्च के साथ ही लगा हुआ एक स्कूल भी है, स्टेला मारिस हाई स्कूल नानी दमन। इसमें एक कब्रिस्तान भी है इस फोर्ट के अंदर, जो बहुत पुराना है। वो भी देखते हैं वो कहां पर है। अब चलते हैं फोर्ट के
ऊपरी हिस्से में। जिस कब्रिस्तान की बात कर रहा था मैं, वो कब्रिस्तान यहाँ पर है। ये बहुत ओल्ड पुराना कब्रिस्तान है। चलते हैं ऊपर। देख रहे थे ये है सेंट जेरोम फोर्ट। आज गर्मी बहुत है। कल जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, और धूप भी इतनी नहीं थी, बट आज धूप और गर्मी बहुत है। तो अब निकलते हैं बाहर इस फोर्ट से। तो अब हम लोग आ गए हैं फोर्ट से बाहर, और चलते हैं फोर्ट के साथ ही लगे हुए गार्डन में। तो ये गार्डन का एंट्रेंस। एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है।
हाँ जी, तो दोस्तों अभी हो चुकी है कैमल राइड और फोटोशूट वगैरह हो चुका है। अब हम लोग मोटी दमन बीच से निकल रहे हैं और जा रहे हैं मोटी दमन फोर्ट की ओर। ये है फोर्ट के अंदर का रास्ता। ये शायद एक चर्च है कोई, तो चलते हैं इस चर्च को देखते हैं। सो दिस इज होली जीसस बॉम जीसस गिरजाघर। भी ये बंद है या चालू है ये तो देखना पड़ेगा। सो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बॉम जीसस चर्च है और जैसा दिखता है बाहर से बहुत ओल्ड चर्च है ये, और इसके सामने बना हुआ है गार्डन। तो दोस्तों जो अभी आपको ये चर्च बताया था ये ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से बंद है। एक्चुअली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इशू आ रहा था और रख रखाव में भी इशू था, तो इसे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से, तो जब से कोविड आया तब से ये बंद है। तो अभी हम आगे एक मॉनेस्ट्री जाते हैं, गार्डन है, गार्डन जाते हैं और वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। यही वो विनष्ट चर्च है। तो ये है वो विनष्ट चर्च। ये आर्च अभी तक है सलामत, बाकी चीज़ें आई थिंक इसकी ढह गई हैं या बन ही नहीं पाई हैं। चलिए निकलते हैं हम यहाँ से बाहर, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक और कुछ है नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं जैम्पोर बीच के लिए। ये वो भाई सामने दिख रहा है जैम्पोर बीच। आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, बहुत पीछे चला गया है पानी। जितनी भीड़ यहाँ पर है उतनी भीड़ मोती दमन बीच पर नहीं थी बिल्कुल भी। सो दोस्तों ये है जैम्पोर बीच, और जैम्पोर बीच में पानी तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि पानी बहुत पीछे है। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर सनसेट होने वाला है। सो सनसेट के टाइम पर अगर पानी होता तो बहुत अच्छा लगता, फिर भी ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं दमन से बैक टू मुंबई, और अभी बज रहा है 6:26। लेट्स सी 160 या 170 किलोमीटर राइड करने में कितना टाइम जाता है। एक्चुअली मेरी बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है चेन स्प्रॉकेट में जो है इशू है। और ये आप देख रहे हो यहाँ का सनसेट। बाकी में एक छोटा सा काम है तो 15-20 मिनट रुक करके फिर वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स मुंबई फ्रॉम वापी। तो अभी हम निकल चुके हैं वापी सिटी से और हमने पकड़ लिया है मुंबई हाईवे। यहाँ से 155 किलोमीटर है ठाणे। तो अभी तो कुछ खाना वगैरह भी नहीं हुआ है, वापी में एक काम था मुझे, लगभग एक घंटा लग गया उसमें मुझे। तो अब वापी से निकल चुके हैं मुंबई टूवर्ड्स मुंबई और पहुँचते हैं अपने मुंबई, देखते हैं
गूगल मैप बता रहा है 4 hours and 50 minutes, तो मेरे ख्याल से हम उसके पहले ही जो है मुंबई पहुंच जाएंगे। अभी बज रहा है 8:21, सो 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट 12:30 तक हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितनी जल्दी रास्ता कवर करते हैं, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है और हमें आराम से चलना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। अभी हम आ गए हैं महाराष्ट्र चेक पोस्ट पर। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र की चेक पोस्ट पड़ती है, मतलब हम ऑलमोस्ट बॉर्डर पर हैं, दोनों स्टेट्स की बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर गाड़ी की गति बहुत स्लो हो गई है। हाँ जी, तो यहाँ पर आकर के हमारा कैमरे की बैटरी पावर ऑफ हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। एंड यस, लीव योर लाइफ। बाय बाय।